हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दक्षायु इंग्लिश लिटरेचर जोन। दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्रांसिस बैकन के बारे में, जो कि अपने टाइम के बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट थे, राइटर थे। इनका फुल नेम था फ्रांसिस बैकन विस्काउंट सेंट एल्बन। इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1561 इन यॉर्क हाउस लंदन में। ये लॉयर भी थे अपने टाइम के, एक स्टेट्समैन, फिलोसोफर एंड मास्टर ऑफ़ द इंग्लिश लैंग्वेज। इन्हें फादर ऑफ़ द इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में ऐसे सबसे ज़्यादा ऐसेज इन्होंने ही लिखे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इन्होंने लैटिन में भी बहुत से काम किए हैं, लैटिन लैंग्वेज में भी इनका ज़्यादातर काम है, लैटिन लैंग्वेज में मिलेगा। इनके जो फादर थे, सर फ्रांसिस बैकन के जो फादर थे, सन निकोलस बैकन, हु वाज लॉर्ड कीपर ऑफ ग्रेट सील ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में इनके जो फादर थे वो लॉर्ड कीपर ऑफ ग्रेट सील, ये एक बड़ी पोस्ट होती है जो उनके टाइम में इनके फादर थे। इनके आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, इनकी जो फादर की डेथ होने के बाद ये 1581 में वापस लंदन आए। और तो फ्रेंड्स, वापस 1581 में जब ये लंदन वापस आए हैं, उसके बाद से इनका सेकंड पार्ट जो इनकी लाइफ का स्टार्ट हुआ है, ये एस्ट्यूट विजडम थे इंग्लिश एसेज के, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री स्टूडेंट्स फॉर हिज इन्फ्लुएंस एज अ स्पीकर इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी इनको स्पीकर ये बने हैं। उसके बाद से दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स लिखे हैं, मैं आपके साथ वर्क्स इनके डिस्कस करती हूँ। इनका जो पहला वर्क था, इन्होंने एसेज, एक तो मैं आपको बताना चाहूँगी एसेज इन्होंने इंग्लिश में बहुत लिखे हैं, जिसका एक सबसे जो मेन है वो ऑफ स्टडीज़ के बारे में है, जिसमें मैं आपको इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं, पूरा देखिए, मैं MCQ क्वेश्चंस हैं कुछ ऑफ स्टडीज़ से रिलेटेड, वो मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगी, जो कि आपको एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहेंगे। किसी भी कोर्स के लिए, TGT नेट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपके कोर्स में, ज़्यादातर लोगों के कोर्स में ऑफ स्टडीज़ जो ऐसे है इनका लिखा हुआ वो बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है, तो इसके MCQs भी हम डिस्कस कर लेंगे, जो आपके बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए दोस्तों बताती हूँ मैं आपको, इनका जो वर्क था मेजॉरिटी ऑफ वर्क इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में लिखा था। और दोस्तों इनका जो सेकंड इन्होंने लिखा है वो ऐसे है, ऐसे इनका जो फर्स्ट एडिशन था वो 1597 में लिखे गए थे, जिसमें इन्होंने 10 एसेज लिखे थे इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद इन्होंने लिखा सर द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जो कि 1605 में लिखा गया था, 1605 में इनका। उसके बाद इन्होंने लिखे एसेज, फिर से सेकंड एडिशन जो इनका आया है एसे के लिए, वो 1612 में आया था, जिसमें इन्होंने लिखे हैं 38 एसेज। उसके बाद इन्होंने लिखा है फ्रेंड्स नोवम ऑर्गनम, जो कि 1620 में लिखा था। नोवम ऑर्गनम होता है दोस्तों, साइंस की भाषा में अगर हम इसे कहें तो ये होता है न्यू मेथड में, जिसमें साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि न्यू मेथड में उन्होंने अपनी कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू उनकी विचारधाराएं थी, उनका इन्होंने इसमें पूरा का पूरा विवरण दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों इनका जो नेक्स्ट वर्क आया वो ऐसे के लिए आया था, वो थर्ड एडिशन था, जो कि 1625 में आया। उसमें उन्होंने 58 एसेज लिखे। उसके बाद दोस्तों इनका जो नेक्स्ट वर्क है वो न्यू एलेंटिस करके है, 1626 में, सर थॉमस मूर की यूटोपिया करके है, उससे इंस्पायर होके। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि सर थॉमस मूर का ही वो सेकंड पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने लिखा था, जो कि इनकी एक बेहतरीन पेशकश है। दोस्तों अगर हम बात करें फ्रांसिस बैकन के जो वर्क है ऑफ स्टडीज़ जो ऐसे है उसके बारे में, तो ऑफ स्टडीज़ में इन्होंने कहा है कि जो स्टडीज़ से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी सारी थेरीज़ हैं उनका इन्होंने जिक्र किया है, जिसमें कि कहते हैं स्मार्ट पीपल फॉर इंस्टेंस डिस्पाइज स्टडीज़ बिकॉज दे बिलीव दे डोंट बेनिफिट पीपल। अगर जो स्मार्ट लोग हैं सिर्फ अपने लिए ही पढ़ते हैं, तो उसका बेनिफिट अगर वो औरों को नहीं देते हैं वो भी उनके लिए यूज़फुल नहीं है। बैकन अंडरलाइंस द प्रोसेसिंग एकेडमिक नॉलेज अलोन इज इनसफिशिएंट। कई लोग होते हैं सिर्फ अलोन, अकेले ही बैठ के सिर्फ पढ़ते रहते हैं। इन्होंने रीडिंग को बताया है कि बोर्डम से बाहर आने के लिए रीडिंग एक बहुत ही अच्छा साधन है। इन्होंने बताया गया है कि अगर हम सिर्फ बैठे बैठे ही पढ़ते रहते हैं और अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को हम इंक्रीज नहीं करते हैं, उसको बढ़ाते नहीं हैं, उसे इंक्रीज़ करके हम लोगों में जो भी हम बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उसमें अगर हमारी पढ़ाई, हमारी रीडिंग, हमारी स्किल अगर नज़र नहीं आती है, तो वो पढ़ाई बेकार है।
ऑफ स्टडीज़ में देखा जाए तो दोस्तों इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, इन्होंने नेगेटिव थॉट को भी इसमें लाया गया है कि अगर आप सिर्फ बैठे बैठे पढ़ते रहते वो ऐसा इंसान लेज़ी हो जाता है, और लेज़ी अगर हो जाते तो आपकी जो स्किल है वो निखर कर बाहर नहीं आ पाती है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों व्यूज़ ही दिखाए हैं हमें इस इनके वर्क ऑफ स्टडीज़ में। चलिए दोस्तों हम इसके कुछ MCQs हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 यूजफुल पर्पसेस ऑफ स्टडीज़ अकॉर्डिंग टू बैकन? इनका जो करेक्ट आंसर है वो है डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। जैसे कि ये कहना चाहते हैं व्हाट आर द 3 यूजफुल पर्पस, अगर हम स्टडी करते हैं पढ़ते हैं तो उसके जो 3 यूजफुल पर्पस इन्होंने जो बताए हैं वो है डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। आपके अंदर उसे डिलाइट मतलब वो उन्हें प्लेजर, कोई हम बुक रीड करते हैं तो हमें उसका प्लेजर आना चाहिए, हमें उसे मज़ा आना चाहिए पढ़ने के लिए। और ऑर्नामेंट में जहाँ जैसे हम किसी चीज़ को सजाते हैं, हम अपनी कॉन्वर्सेशन को अपनी बुक की रीडिंग से, जो लोग ज़्यादा बुक पढ़ के रखते हैं वो अपने फ्रेजेज या कुछ भी अच्छी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन को सजाने के लिए। और द एबिलिटी, हमारे अंदर वो स्किल आती है बात करने की, वो क्षमता रहती है जिसके थ्रू हम अपनी बात को दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। तो उन्होंने रीडिंग को एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत तरीके से पेश किया है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एबिलिटीज़ विच आर नेचुरल इज लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको दोस्तों 4th है, प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब जैसे कि हम किसी चीज़ को, किसी प्लांट को हम उसे पोषित करते हैं तो वो और अच्छे से निखर के आता है। तो जो एबिलिटी है, नेचुरली जो एबिलिटी है एक प्लांट में होती है, वो होती है प्रूनिंग, उसकी कटाई छटाई करके उसे पोषित करके हम उस पेड़ को पनपने के लिए हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू बैकन हु कंडेम स्टडीज़ को कौन कंडेम करते हैं, कौन लोग हैं जो स्टडीज़ को कंडेम करते हैं? तो इसका आंसर है 3, करेक्ट आंसर द क्राफ्टी मैन। जो क्राफ्टी मैन होते हैं अपने आप में ही कुछ लिखते हैं, अपनी समझ, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, सो वो लोग इस स्टडीज़ को कंडेम करते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होती है तो बुक की स्टडीज़ को जल्दी से आसानी से नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज ऑफ स्टडीज़ पब्लिश्ड, स्टडी जो ऑफ स्टडीज़ है वो पब्लिश कब की गई थी? जो कि इसका आंसर है 1597 में। याद रखिएगा दोस्तों ये MCQs क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम को लेकर। सो ऑफ स्टडीज़ जो पब्लिश की गई थी वो 1597 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका करते हैं, बैकन सेज टू स्पेंड टू मच टाइम स्टडीज़ इज स्लॉथ। तो अगर हम अपनी पढ़ाई पे ही ज़्यादा टाइम डिपेंड करते हैं, उसी को पढ़ते रहते हैं, तो उनके हिसाब से ये एक स्लॉथ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप अगर इस ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही और अच्छी वीडियोस आपके सामने लेकर आती रहूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए या नेट जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इससे भी अच्छी वीडियोस मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसको पढ़ के अपनी वीडियोज़ और अच्छे से बना सकूँ। थैंक यू सो मच।